कोरोना वायरस में सरकार क्या बोला था? हाँ? कोरोना वायरस में सरकार क्या बोला था? बोला बंद है। हाँ, बंद है कि घर से नहीं निकलने? घर से नहीं निकलने। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? घूम रहे। क्यों, सरकार का बात नहीं मानेगा? हाँ, घर में मम्मी पापा नहीं है? उसका क्या, बाप बाप का नौकर लगती है उनका। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है दिन रविवार 22 मार्च 2020 और अभी करीबन बज रहे 10:30 और मैं उठा हूँ ऑलमोस्ट 10 बजे। आपको सबको पता ही है कि आज है जनता कर्फ्यू, तो नीचे तो जा रहा नहीं हूँ और अभी मैं आया हूँ अपने बालकोनी पे, तो कुछ मुझे इंसान दिख रहे नहीं है जो चल रहे हैं। एक दो मैंने देखा है, नोटिस किया है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। नहीं तो इस टाइम तक में ये भीड़ भाड़ वाला जगह है, मेरा घर जहाँ पे है वो भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो यहाँ पे लोग घूमते रहते हैं। बस मुझे अभी दिख रही है तो कुछ कुछ पंछियाँ दिख रही है, कबूतर, कौवे, कोयल, तो अच्छा लग रहा है, एकदम शांत है। बाकी बारिश का मौसम है, रात से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये ब्लॉग कैसा बनेगा, क्या होने वाला है, मैं क्या करूँगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जनता कर्फ्यू है तो मैं बाहर जाके आप लोगों को दिखाऊँगा कि बाहर का माहौल कैसा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और अभी बाहर नहीं जाऊँगा तो मैं खुद के लिए, मेरे लिए सेफ़ है, आपके लिए सेफ्टी है ये और मेरे घर वालों के लिए सेफ्टी है, तो मैं सब घर में ही है। तो ऐसे संडे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं जाता हूँ बाहर घूमने उमने, एक ही दिन तो मिलता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आज के दिन मैं अपने घर में ही बिताऊँगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। बस मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मैं संडे वेस्ट ना हो, तो मैं घर में हूँ। अब देखते कैसा ब्लॉग बनता है, घर में मैं क्या करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, शायद ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा क्योंकि आप हो मेरे साथ, तो देखते हैं क्या होता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आज शायद घर में मेरे जितने भी पेंडिंग काम है मैं वो करूँगा, तो देखते हैं आगे सीन क्या है आज का और क्या करने वाले हैं हम। फिलहाल तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। तो फिलहाल तो लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं मम्मी क्या बना रही है और फटाफट से करते हैं नाश्ता, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। मेरा नाश्ता आ चुका है, इसको करते हैं फटाफट ख़त्म, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 1 2 3 ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ और अभी तो फिलहाल ये कंडीशन को मैं ठीक करूँगा, उसके बाद खेलूँगा 2-4 गेम मस्त होके पबजी, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन होता है। तो इसको ठीक करते हैं फिर खेलेंगे पबजी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे ना ही मच्छरदानी लगाना पसंद है ना ही उतारना पसंद है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, घर वालों का प्रेशर है और मुझे लग रही है ठंड, तो मैं जैकेट पहन लिया हूँ क्योंकि ठंड से भी बचना है। और आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, सर्दी लगी हुई है, मुझे फीवर है थोड़ा, तो इसको फटाफट से पहले ठीक करते हैं फिर खेलेंगे पबजी। तो अभी बज रहे 3:00 और पबजी भी खेल लिया बहुत ज़्यादा और लंच भी कर लिया मैंने, और मैं देख रहा हूँ सड़कों के कुछ कुछ लोग अभी भी चल रहे हैं और एक दो तो मैंने वीडियो भी देखा फेसबुक पे, कहीं लाठी चार्ज वगैरह हो रहा है अगर आपको पाया गया, और एक फुटेज मैंने सिलीगुड़ी का देखा जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सब इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, आप एक कमेंट पर लिख दो। बाकी तो अभी बोर हो रहा हूँ तो मैं एक रैप
मैं एक रैप गाने का कोशिश कर रहा था, तो अगर मैं फिर से कोशिश करूँगा अच्छे से गा दिया तो मैं आपको इसी के बीच में सुना दूँगा, या मैं अपने इंस्टाग्राम पे पहले डालूँगा। तो आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे बिल्कुल फॉलो करें, मुझे मेरे से वहाँ कनेक्ट हो जाए आप। तो मैं इंस्टाग्राम में अपने ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। और फ़िलहाल अभी क्या करूँ, तो मम्मी बैठ के मोबाइल चला रही है और मेरा दिमाग खा रही है व्हाट्सएप पे, उनको क्या क्या फॉरवर्डेड मैसेज आ रहे हैं और परेशान कर रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, गलत गलत फेक न्यूज़। तो मन तो कर रहा है उनका व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दूँ, तो थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ उनका और देखते क्या होता है। मम्मी के साथ प्रैंक करता हूँ कैमरा छुपा के। ओके, सो मैं कैमरा पर्दे में छुपा दिया हूँ, मम्मी को पता ना चले, और करते हैं थोड़ी मस्ती मम्मी के साथ। मम्मी सुनो, बैठो बैठो, क्या कर रहे हो? क्या देख रहे? दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप इतना स्टेटस, ये सब फेक न्यूज है, काहे पढ़ते हो, अनइंस्टॉल कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। तो ये सब अफवाह में काहे पढ़ रहे हो, आराम से घर में बैठो ना। देख रहे हैं ना, देख के शेयर करते हो अफवाह मैसेज और फैलाते हो। अच्छा। सुनो ना, आप सोच रहे हैं हम बाल में पूरा कलर वलर करा ले, एकदम इधर उधर से कटा लें, बाल में पूरा कलर करा ले। क्या जरूरी है कलर करने का? मस्त लगता है, ट्रेंड है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता उसे। मस्त लगे, इधर इधर से कटा लेंगे। नहीं, नहीं हो पाया, पकड़ा गया। मम्मी कैमरा देख ली और वो कैमरा देख के हंसने लग गई बहुत। अब वो हंसती है तो क्या ही बोलूँ, भयंकर हंसती है, भयंकर। तो ये वो कोशिश करते हैं नीचे जाने का, देखते हैं क्या सीन है। अपने गली तक तो जा ही सकते हैं, नहीं तो अगर मम्मी अगर रिएक्ट करती ना, जब भी मैं बोलता हूँ कि बाल पे कलर वलर करूँगा तो बहुत गुस्सा हो जाती है, मुझे रोड तक दौड़ा देती है मारने के लिए। तो अभी वो कैमरा देख ली थी तो फिर मेरा प्रैंक पोपट हो गया। तो अभी चलते नीचे, थोड़ा देख के आते क्या सीन है। देखो मेरे गली में कितना सन्नाटा है और धूप उग गई है। ये मेरा घर और मैं अपने गली में हूँ। वैसे कोरोना दो तरीके से फैल सकता है, अगर आप जो जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उससे कनेक्शन में आओ तो, या किसी वस्तु में अगर कोरोना का कुछ भी वायरस है तो उसको छुओ तो ये दोनों चीज़ों से बचना है। और देखते हैं कोई बाहर है कि नहीं है। ये देखो ये बच्चे हीरो बन रहे हैं कोरोना में, और असर तो हुआ है। कुछ लोग जो ओवर स्मार्ट है वो लोग, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, उनको आकर दिख पाओ तो देखो वहाँ पे, ये इस जगह में देखो। कुछ लोग जो ओवर स्मार्ट है, जो बहुत कूल डूड है, तो वो तो बाहर निकले हैं। और ये बच्चे यहाँ पे पतंग बिकती है तो ये लोग भी पतंग वतंग खरीदने आए। बाकी 80% असर तो हुआ है, लोग अपने घर में हैं। बाकी जिनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, होने का वेट कर रहे हैं कि मेरे को हो जाए, तो वो घूम रहे हैं। सुनो सुनो, कोरोना वायरस में सरकार क्या बोला था? कोरोना वायरस में सरकार क्या बोला था? बोला बंद है। हाँ बंद है कि घर से नहीं निकलने? घर से नहीं निकलने। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? घूम रहे। क्यों, सरकार का बात नहीं मानेगा? हाँ घर में मम्मी पापा नहीं है, उसका क्या? बाप बाप का नौकर लगती है उनका। सरकार अगर तुमको कोरोना वायरस से कौन बचाएगा तुमको? उसका बाप आएगा। हाँ उसका बाप बेटा, मरोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। नहीं पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में हो? फाइव क्लास में। कौन से स्कूल में हो? असल होता। घर में मम्मी पापा नहीं है? है। तो समझाया नहीं तुमको घर से बाहर नहीं निकलने? हीरो बन रहे हो? सब जगह तो निकल लिएगा। हाँ तुम हीरो बन रहे हो, उसको देखिए तो उसको, दूसरे को क्या देखो, तुम हीरो बन रहे हो? हाँ जाओ फटाफट घर जाओ। नहीं जाओगे, कुछ हो जाएगा तो? जाओ 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 बाबू घर जाओ, कुछ हो जाएगा, जाओ। अभी हम घूमेंगे। देख रहे हो कितना ओवर स्मार्ट लड़का है, अपने आप को हीरो समझ रहा है। क्या ही बोलोगे यार आज के जेनरेशन के बच्चों को। यहाँ पे एक मेडिसिन शॉप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है, एमरजेंसी में दवाई चाहिए तो ज़रूरी भी है। सो देख लिया आपने नज़ारा यहाँ के लोगों का, वैसे बहुत ज़्यादा असर है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी यहाँ के लोगों से, लेकिन बहुत
अच्छे से इसको किया जा रहा है। बहुत लोग घर में ही हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो उतना तो चलता ही है। लेकिन मुझे मालूम है कि इसकी आदत हमें डालनी होगी कुछ दिन तक, क्योंकि ये एक दिन में तो शांत नहीं होने वाला है और मैं फिर अपने घर जाऊँगा। मेरी खुद ही तबीयत ख़राब है, तो अभी फिर से सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करूँगा। मैंने साइकिल वगैरह छुआ है, तो आप भी घर में ही रहिए और फिर देखते हैं आगे अभी मेरा दिन कैसा बीतने वाला है। बोरिंग ही जा रहा है। बाकी मेरा मन था कि कुछ टिकटॉक के वीडियोस बनाऊं, लेकिन अभी तक वो वाला फील नहीं आया, तो मैं अभी बनाया नहीं हूँ। और ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता, मैं अपने घर के आसपास ही था 100 मीटर के रेंज में, तो घर ही चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है आगे का। और आ चुका हूँ अभी मैं अपने छत पर। मेरे छत पर थोड़े फर्नीचर के काम चल रहे थे, गेट वेट बन रहे थे, जो कि एक सप्ताह से बंद है, पापा ने सब मना कर दिया है। और ये है मेरे घर से छत का नज़ारा। अभी वेदर थोड़ा अच्छा है, धूप उगी है, लेकिन आसमान में बादल बहुत कम दिख रहे हैं और एक दो पतंग भी उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि पंछी वगैरह भी घर में बैठे हैं अपने घोंसले में, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा, एकदम सन्नाटा। इतना पीस मैंने आज तक नोटिस नहीं किया, वो भी संडे के दिन। तो बहुत ही सही जा रहा है, कुछ लोग को छोड़ के इस चीज़ को लोग और एक्सेप्ट कर रहे हैं, घरों में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं अपनी दीदी के घर चले जाऊँ और बच्चों के साथ खेलूँ, लेकिन ये भी गलत रहेगा, क्योंकि अपने घर में रहो, सेफ रहो, वो लोग भी सेफ हैं। गाइस अभी 5 बज चुके हैं और आपको पीछे से आवाज़ आ रहा होगा, यहाँ पे सब कोई अपने घर से बालकोनी से बाहर निकल के तालियां बजा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो सब कोई घर से निकल के तालियां शंख वंख बजा रहे हैं। तो भाई आपको आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी, सब कोई अपने घर से निकल के सबके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कोई बजाते हुए ताली। मेरी मम्मी संग बजाते हुए, ये देखो सब कोई ताली वाली बजा रहे हैं, सब कोई अपने घरों में छत में बालकोनी में आके संग ताली वाली बजा रहे हैं। ये है हमारे किशनगंज का नज़ारा और मैं अपना घर दिखाता हूँ। वो है मेरा घर और आपको पीछे तो आवाज़ आ ही रहा होगा, सब में बहुत अच्छे से इस चीज़ को करते हुए, बहुत सही है बॉस। सब कोई अपने घरों से बाहर, तब ऐसा लग रहा नहीं यहाँ त्यौहार मनाया जा रहा है। मान गया यार, जब किसी राष्ट्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति, हमारे प्रधानमंत्री जी, जब किसी से कुछ अपील करते, कुछ करने को, तो लोग सच में उसकी बात को मानते हैं, लोग उस पर अमल होते हैं। तो लिटरली बोलूँ तो मेरे गूसबम्प्स आ गए थे जब मैं नीचे गया था। लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग जनता कर्फ्यू का पालन भी करेंगे, या फिर 5 बजे जो हमारे लिए कोरोना वायरस के लिए लड़ रहे हैं, पुलिस हुए, डॉक्टर्स हुए और जितने भी कर्मचारी हैं, सबके लिए अप्रिशिएट करेंगे बाहर आके। और बहुत जन मैं देखा हूँ, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत जन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, संघ बजाने से क्या होगा वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ये हमारी एक संस्कृति का पार्ट है, जब भी हम ऐसे शंख बजाते, घंटी बजाते, तो इससे जो ध्वनि निकलती है वो वातावरण में वाइब्रेट करके फैलती है, तो इससे आसपास के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा संस्कृति एक विज्ञान के वेस्ट पे है, तो बहुत अच्छा लगा सब ने किया। मैं सोशल मीडिया न्यूज़ पे भी देख रहा था, सब ने अच्छे से इसको किया, अच्छे से सब अपने घर से बाहर निकल के ताली वाली बजाए, फिर घंटी शंख जो जैसे भी कर सकते थे। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेफ हैं और घर पे ही रहिए और आदत डाल लीजिए। मुझे तो पूरा विश्वास है कि कुछ दिन और ये चलेगा, एक दिन में तो ये शांत होने वाला नहीं है। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।
और पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना, बाकी चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी अपने नए ब्लॉग पे। जय हिंद।